ओम शांति। आज मैं आप सबको अपना एक पर्सनल अनुभव जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था मुझे। ज्ञान में तो मुझे 10 साल हुए हैं, लेकिन ये साक्षात्कार मुझे हुआ करीबन 17 या 18 साल पहले की बात है। एक सर्जरी हुई थी मेरी, तो उस सर्जरी के दौरान क्या हुआ, थोड़ा क्रिटिकल केस हो गया था। ऑपरेशन थिएटर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो सीरियस केस होने के कारण डॉक्टर भी थोड़ा घबरा गए थे। और उन्होंने कहा था कि जैसे 1 घंटा या 45 मिनट्स की सर्जरी होगी और उसको करीबन 3 या 4 घंटे लगे उसको। तो उस 4 घंटे के दौरान ऑपरेशन जो था, वो भी सर्जरी जो करवाया था, वो भी थोड़े मैंने बड़ी हो गई। एक माइनर सा जो सर्जरी होने वाली थी उसने बड़ा रूप ले लिया। तो उस दौरान क्या हुआ, एक पेनफुल काफ़ी हो गई, मैंने महसूस होने लगा कि हाँ काफ़ी पेन हो रहा है, कि तकलीफ हो रही है बॉडी में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑपरेशन थिएटर से ले जाकर रूम में शिफ्ट किया गया। ये सब बातें हुई आपकी रात की टाइम थी, जैसे शाम को सर्जरी हुई तो मैंने रूम में शिफ्ट करते करते मुझे करीबन 11 या 11:30 बज गए थे। और 11:30 बजे मुझे ले जाया गया, तो अब पेन इतना हो रहा था काफ़ी। उस समय डॉक्टर ने कहा कि ब्लड काफ़ी निकल गया है। तब मैंने उस जो सिस्टर थी उसको मैंने कहा कि काफ़ी पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कुछ कंसल्ट कर मुझे आप दवाई दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऐसे भी जो पेन किलर है या जो इंजेक्शंस आपको दी जा रही थी, वो तो हमने ऐसे ही ज़्यादा दे दिया है कि पेन आपको महसूस नहीं हो, अब तो देना मुश्किल है, फिर भी मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा। उस बात को पकड़िए 12:30, 1 हो गया होगा, 1 बज गई होगी रात की। तब फिर वो सिस्टर आई थोड़ी देर बाद, उसने कहा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, तो मैं दवाई पेन किलर तो आपको और कुछ दे नहीं सकती, जो दवाई देना था डॉक्टर साहब आपको पहले ही देकर जा चुके हैं, अब अर्ली इन द मॉर्निंग जो आपको दवाई देना है वो देंगे। ये बात उससे हुई। और पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैंने वो बोल रहे हैं कि आप सो जाओ, तो सोने की कोशिश करो, अब भयंकर पेन में आप कैसे सो पाओगे। तो मैंने उसको फिर बुलाया, तो उसने कहा कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती। फिर दोबारा जब मैंने उसको कहा, तो उसको भी लगा कि सच में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उसने फिर और किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया। अब उस दौरान क्या हुआ, दोबारा जब मैंने उसको कहा, उसके बाद की बात है ये, मैंने 1:30 बज चुके थे रात को। तो उस दर्द में मैं क्या करती थी, भक्ति करती थी बहुत ज़्यादा, वो भी शिव की भक्ति करती थी मैं। तब तो मैं ज्ञान में आई नहीं थी, क्योंकि 18 साल पहले की बात, 17-18 साल की बात बता रही हूँ आपको, कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है, राजयोगा क्या है, कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में। तो भक्ति करते थे, जैसा बचपन से सुन रहे हैं वैसे करते थे, और शिव की भक्ति में करती थी। तो मैं क्या कि सोए सोए लेटे लेटे वैसे ही, जैसे ओम नमः शिवाय अपने बोलते हैं, मन ही मन में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वैसे ही मैंने मन ही मन में बोलना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद मैं क्या हुआ वो घटना मैं आपको, आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बॉडी से कुछ निकला है। अब क्या निकला है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद ही अपनी बॉडी को देख पा रही हूँ। ये सब मैं आपको, जो हुआ था वो मैं बता रही हूँ आपको डिटेल में। अब खुद ही अपनी बॉडी को देख रही हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी बॉडी को कैसे देख रही हूँ, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन बॉडी को देख रही हूँ। जब मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ, तो वो पेन मुझे फील नहीं हो रहा।
फिर मुझे अपने आप को ही देख रही हूँ, मैंने बॉडी नहीं दिख रही है मुझसे, मेरे बॉडी से कुछ निकला है और वो बहुत तेजी से ऊपर, जैसे हम लोग एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं तो नीचे का पूरा दृश्य हम देखते हैं, सब कुछ हमें छोटा छोटा दिखाई देता है, उसी तरह से कुछ मेरे शरीर से निकलकर वो ऊपर उड़ रहा है और स्पीड उसकी बहुत फास्ट है। नीचे का सब चीज मुझे जैसे दिख रहा है कि बहुत तेजी से मैं उड़कर जा रही हूँ, और वहां मुझे जब उड़ रही थी तब मुझे पेन एकदम नहीं हो रहा था, एकदम हल्का लग रहा था मुझे। उसके बाद उड़ते उड़ते कुछ समय बाद मैं देखती हूँ कि मेरे सामने उड़ने के बाद कुछ देर बाद, और हल्कापन था ही, अब क्या था वो तो बाद में पता चला मुझे ज्ञान में आने के बाद, तो मैं देखती हूँ मेरे सामने एक वाइट कलर का ब्राइट एक लाइट केवल दिखाई दे रहा है मेरे को सामने में, मैं अपने सामने एक लाइट देख रही हूँ चमकती हुई सफेद रंग की, और उसमें तेज बहुत है लाइट में, लेकिन वो तेज जो है वहां जैसे ही मैं पहुंचती हूँ वहां इतनी शांति है कि वो शांति में कभी महसूस ही नहीं मैंने कभी करी। वहां जाकर जब मैं स्थित होती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे सामने एक लाइट है और वहां मैं खड़ी हूँ, मैंने सामने लाइट और पीछे में, बस आमने सामने हैं हम लोग दोनों, तो वहां खड़ी होके देख रही हूँ मैं, बॉडी नहीं है मेरी, बॉडी तो नीचे है मेरी, अब मैं क्या क्या है वहां ऊपर जो मैं सब कुछ देख रही हूँ सामने अपने। फिर देखती हूँ उस लाइट में से वहां से एक आवाज आ रही है, वो भी जैसे वाइब्रेट होती है ना, एक गूंजने जैसी आवाज आती है, जैसे हम लोग किसी खाली किले में या खाली घर में जब आवाज करते हैं इको होती है ना आवाज गूंजने टाइप की, वैसी एक आवाज वहां से आई कि तुमको लाइट के अंदर आना है कि वापस जाना है तुमको। वापस जाने का मतलब था कि जिस दुनिया से तुम आई हो शरीर से वहां तुमको जाना है कि इस लाइट के अंदर तुमको प्रवेश करना है। ये आवाज वहां से आई एक या दो बार, मैं वहां कुछ भी फाइनल या डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं करूं क्या, क्या मैं अंदर जाऊं या मैं वापस चली जाऊं, क्योंकि वहां इतनी शांति लग रही थी कि मुझे वापस आने का भी मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था इस लाइट के अंदर मैं चली जाऊं। तब फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, 18 साल पहले की बात है, तो क्योंकि अभी उनकी एज है 20 साल और 24 साल, तो छोटे थे, तो छोटी वाली बेटी है जिसकी एज उस समय 2 साल थी, उसको अस्थमा का अटैक आता था, तो मुझे मैंने उसकी शरीर को देखते हुए, उसकी बीमारी को देखते हुए वहाँ थॉट आना शुरू हुआ कि अगर मैं इस लाइट के अंदर चली जाऊँ, अगर प्रवेश कर जाऊं इस लाइट के अंदर, तो उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि अस्थमा का जब अटैक आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे को, और वो केवल माँ ही संभाल पाती है, क्योंकि ये सिचुएशन हम देखे थे उसकी, तो मेरे और मेरे घर में भी जैसे इन लॉज कोई थे नहीं, संभाले कौन उसको, वो थॉट वहाँ ना, एक जो अटैचमेंट बोलते हैं ना कि वो खींचता है, तो वो अटैचमेंट के कारण मैं वहाँ सोच में पड़ गई क्या करूँ, मैं अंदर जाऊँ उसको कौन संभालेगा, ये थॉट मेरे चलना शुरू हो गए। फिर वहां से आवाज आई, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ तुमको अंदर आना है कि वापस जाना है, और वहां जैसे काउंटिंग करते हैं ना हम लोग, तो वहां उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई, जैसे 10, 9, 8, वही आवाज, गूंजने वाली आवाज, इको आवाज में, और काउंटिंग उल्टी काउंटिंग शुरू हो गई, जैसे कि फटाफट डिसाइड करो तुमको क्या करना है। फिर मैं देखती हूँ जैसे एक साइड में मैं खड़ी हूँ, लेफ्ट साइड में बीच में वो ब्राइट लाइट है, और राइट साइड में मेरे दोनों बच्चों को मैं बड़ा देख रही हूँ, अभी जो एज है उनकी उसी एज में मैं उनको देख रही हूँ कि काफ़ी बड़े हो गए दोनों, और मेरे हस्बैंड बूढ़े हो गए हैं और उनके हाथ में एक लकड़ी है, ये तीनों साइड में खड़े हैं, अपने राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मैं हूँ, और ये तीनों मुझे मना कर रहे हैं कि इसके अंदर मत जाना, इस लाइट के अंदर मत जाना, और वहां से इतना प्रेशर आ रहा है कि फटाफट बताओ, फटाफट डिसाइड करो तुमको क्या करना है। तब फिर मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे इस लाइट के अंदर नहीं आना है, नहीं आऊंगी मैं इसके अंदर। तब मुझे वहां से ऐसा फील हुआ कि किसी ने बहुत तेज मुझे धक्का मारा है, और जिस स्पीड में मैं गई थी वहां उसके डबल स्पीड में मैं रिटर्न हो रही हूँ,
रिटर्न होकर मेरी जो बॉडी बेड पे लेटी थी हॉस्पिटल में, उसमें आकर कुछ अंदर आया है वापस उस बॉडी के अंदर, और मेरी बॉडी जो है वो अच्छे से, जो एक बोलते ना, मूवमेंट आया मेरी बॉडी के अंदर। तो वो जैसे फील हुआ उसके बाद, तो क्योंकि वो पेन जो था वो फिर महसूस होने लग गया, और वो जो शांति थी वो शांति मैं भूल ही नहीं पा रही वहाँ पे। जैसे ही मैं वापस अपने बॉडी के अंदर आई तो मेरा आँख से पानी बहे जाए, और इतना अफसोस कर रही थी कि मैं वहाँ से रिटर्न क्यों होकर आई, क्या था वो जो मुझे दिखाई दिया। और इतनी शांति वहाँ, इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, आनंद लग रहा था मुझे वहाँ रुक कर, इतना बढ़िया लग रहा था। फिर हम वापस क्यों आए इधर, अपने आप को मैं इतना कोस रही थी वहां पर, क्यों आई मैं यहाँ पर वापस। उस शांति को बार बार अनुभव में कर रही थी। वो बात हो गई रात की। फिर सुबह में, मैंने मॉर्निंग के 5 बजे थे, तब वो सिस्टर आई। उसने मुझे कहा कि आपने मुझे कहा था कि डॉक्टर को बुलाने के लिए, तब असिस्टेंट डॉक्टर एक आए थे, वो आपको करीबन 3 बजे करीबन वो आपको इंजेक्शन देके गए, लेकिन आप तो गहरी नींद में सोए थे। अब वो क्या हुआ वो तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो शांति थी वो मुझे बार बार खींच रही थी। अब मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह कोई आकर मुझे बात कर रहा है तो मुझे उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वो अनुभव कर चुकी उस शांति को, मेरा मन भी नहीं लग रहा वहाँ हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड, रिलेटिव जो भी सुबह मिलने गए, मैं ना उनसे बात कर रही हूँ, चुपचाप हूँ, खाली रोए जा रही हूँ, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई तो मैं घर आकर ये बात अपने हस्बैंड को बताई। उसके बाद 6 या 7 साल बाद मुझे, जैसे सिस्टर शिवानी का मैंने प्रोग्राम देख, आस्था में हम लोग देखे, उसमें जब देखे तो पता चला कि हाँ कुछ है, राजी होगा, लेकिन जानते नहीं थे उस समय, तो इतना मीडिया में था भी नहीं ब्रह्मा कुमारीज का। तो हम लोग सोचे कि एक बार जाके देखते हैं क्या है। तो उस समय था दिवाली, धनतेरस था शायद उस दिन। तो हम लोग फर्स्ट डे गए तो वहाँ पे कहा गया कि कोर्स हो रहा है। जिस दिन मैं फर्स्ट डे उस सेंटर पर पहुंची, और वो जो शांति मैंने महसूस की थी कुछ साल पहले, 17 साल पहले, वो 7 साल का गैप हो गया क्योंकि 10 साल मुझे ज्ञान में हो गया, वही सेम शांति मैंने वहाँ, वो वाइब्रेशन मैंने महसूस किया। और जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का जो है, फर्स्ट डे का लेसन, वो करवाया गया। उसमें दिखाया गया कि आत्मा का पिता परमात्मा एक रोशनी है, आत्मा एक लाइट है, परमात्मा भी एक लाइट है, आत्मा एक निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। वो ही चीज मुझे इतना खींची कि अरे यही चीज तो मैं तो 7 साल पहले देखी थी। परमात्मा ने मुझको साक्षात्कार कराया था कि बाबा मुझे पहले ही खींच लिया। तो इसलिए मुझे क्या है, ये राजयोगा मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। कितनी भी हलचल हो, कितनी भी आवाजें आए, कुछ भी आए, मेरा जो मेडिटेशन है यहाँ का, जो योग जिसे हम कहते हैं, योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना, वो भी रिलेशन के साथ। तो ये तो मुझे पहले तो पता नहीं था, बस उस शांति को मैं अनुभव करती थी बीच बीच में कि कितनी शांति थी, क्यों आई, बस ऐसे धोखा करती थी या अपने आप को कोसती थी। लेकिन जिस दिन मैंने ये कोर्स शुरू किया, पता चल गया कि वो मेरा पिता है, रिलेशन पता चल गया, तब से फिर मैं आराम से उड़कर जाती थी उनके पास, बैठती थी अपने पिता के पास, शिव बाबा के पास, उनसे शक्तियाँ लेती थी, वापस आ जाती थी। तो ये राजयोगा मेडिटेशन में मेरा मन बहुत अच्छे से लगने लग गया, हर परेशानियों से मैं निकलने लग गई। ये है मेरा अनुभव, जो ज्ञान के पहले का अनुभव है, जो शिव बाबा ने मुझे पहले ही साक्षात्कार करा दिया था। ओम शांति।